शिक्षा की महिमा है। कहा एक बार की बात है, इन्हीं मनुपुत्रियों के वंश में जो और नौ कन्याएं हुई थी, देवहूति की नौ कन्याएं थी, प्रसूति की 13 कन्याएं थी, आकुति की और कई सारी कन्याएं थी, ऐसे ही वंश बढ़ता गया और उन्हीं में कश्यप आदि ऋषि भी हुए। कश्यप ऋषि की पत्नी दिति और अदिति भी थी और तमाम स्त्रियां तमाम पुरुष थे। कश्यप ऋषि की पत्नी दिति और अदिति थी, दिति के पुत्र दैत्य हुए और अदिति के पुत्र देवता। तो दिति के पुत्र दैत्य आदि दैत्य हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप हुए थे। तो पहले तुमको बताया था परीक्षित कि भगवान सृष्टि विस्तार करने का आदेश ब्रह्मा जी को दिए। मनु को चिंता हुई सृष्टि रहेगी कहाँ, हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को ले जा करके रसातल में छुपा दिया था। आदि दैत्य हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप थे। उस हिरण्याक्ष का वध भगवान ने वाराह अवतार धारण करके किया और इस हिरण्याक्ष का भाई था हिरण्यकश्यप। ये हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष के मारे जाने पर दुखी न होकर के परिवारजनों को उपदेश किया, वेदांतियों की तरह दिव्य ज्ञान समझाना चाहा कि जो जन्म लेता है उसको मरना तो पड़ता ही है, और जिसका साथ छूट गया उसके विषय में मोह करने से, उसके विषय में दुखी होने से कोई लाभ नहीं है। यह सब तो संसार की प्रक्रिया चलती ऐसी ही रहेगी। लेकिन साथ साथ एक बात और भी बोला, एक तरफ ज्ञानियों की तरफ बात कर रहा है, दूसरी तरफ बोला मैं अपने भाई की मृत्यु का बदला उस विष्णु से जरूर लूंगा। और हिरण्याक्ष की अंत्येष्टि क्रिया इत्यादि करने के बाद चल दिया मंदराचल पर्वत पर। 1000 वर्ष तपस्या की ब्रह्मा की, एक पैर पर खड़े होकर के, और इसकी पत्नी कयाधु गर्भवती थी। इधर ये हिरण्यकश्यप तपस्या करने गया और उधर देवराज इंद्र कयाधु का हरण करने आ गए, हरण करके ले जा रहे थे। रास्ते में नारद जी मिले, नारद जी ने पूछा देवराज क्या कर रहे हैं ये जघन्य अपराध करते हुए, आपको कुछ विचार नहीं आया? बृहस्पति के शिष्य बोले जाते हैं, देवराज कहे जाते हैं, अरे स्त्री हरण जैसा अपराध किस लिए, देवराज होकर के क्यों? बोले ये दैत्य की स्त्री है और इसके गर्भ से जो बालक जन्म लेने वाला है वो भी दैत्य ही होगा, हमारा शत्रु ही होगा, उस हिरण्यकश्यप का तो हम नहीं बिगाड़ सके कुछ, लेकिन इस गर्भस्थ बालक को जन्म लेते ही मार डालेंगे, ना जन्म लेने के बाद जीवित रहेगा ना हमारा शत्रु होगा। नारद जी ने कहा नहीं, इस कयालु के गर्भ से दैत्य नहीं उत्पन्न होने वाला है, भगवत भक्त उत्पन्न होने वाला, भले ही दैत्य कुल में जन्म लेगा, इसलिए छोड़ दीजिए इसको। तो ध्यान देना, आसुरी प्रकृति के बेटा बेटी होवे अथवा साधु प्रवृत्ति के होवे, मतलब सत्कर्म सदाचार वाले हों, दुष्कर्म दुराचार वाले हों, ये निर्भर करता है माँ और पिता के आचरण पर, उनके व्यवहार पर, उनके खान पान पर, उनके बोली वाणी पर, उनके रहन सहन पर, उनके पहनावे ओढ़ावे पर, उनकी शिक्षा पर। नारद जी ने कहा छोड़ दीजिए, कयाधु को लेकर के आ गए अपने आश्रम में नारद जी और भगवत भक्ति का उपदेश किया, भागवत धर्म का उपदेश किया। गर्भस्थ शिशु को उद्देश्य करके, पहले माताएं गर्भवती होती, स्त्रियां गर्भवती होती तो घर में गीता का पाठ कराते, रामचरित मानस का पाठ कराते, भागवत की कथा कराते, रामायण राम की कथा कराते और तमाम कथाएं कराते, सत्कर्म में लगाते स्त्रियों को विशेष रूप से। वैसे तो सदा ही सत्कर्म करने का आदेश है, करते भी थे, लेकिन ऐसी स्थिति में विशेष रूप से क्यों? कश्यप ऋषि से दिति ने हठ किया इस संध्या काल के समय, जो अभी हो रहा है, दिन बीत रहा है, रात्रि आरंभ हो रही है, संध्या काल के समय दिति ने हठ किया कि हमको पुत्र की कामना है, आप पुत्र प्रदान करें, पुत्र प्राप्ति के लिए स्त्री पुरुष का संबंध आवश्यक है, सो अभी होना चाहिए। शास्त्रोक्त बात है, कश्यप ऋषि ने कहा दिति
कुछ काल ठहर जाओ। रात्रि के समय में स्त्री पुरुष का संबंध होना चाहिए, स्त्री पुरुष का सहचर्य होना चाहिए, ये शास्त्र का विधान है, नियम है रात्रि के समय, और पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से ऐसे संध्या काल के समय में नहीं होना चाहिए। लेकिन दिति नहीं मानी, हट किया। शास्त्र तो सब बताता है, सब कुछ बताता है। बातें ऐसी हैं कि आज के लोग समझ नहीं पाएंगे, समझने का और सोचने का स्तर बहुत नीचा गिर गया लोगों का। शास्त्र की बात कह दी जाए तो कहेंगे ये देखो स्त्री बेटा और बेटी में भेद कर रहे हैं। नहीं, शास्त्र तो ये भी बताता है कि बेटा चाहिए तो किस समय में, किस मास, किस ऋतु में, किस तिथि वार नक्षत्र में गर्भाधान स्त्री पुरुष का संबंध होना चाहिए तो बेटा ही होगा। बेटी चाहिए तो कैसे समय में स्त्री पुरुष का संबंध होना चाहिए, उससे बेटी ही होगी। किसको कहते हैं फैमिली प्लानिंग, ये है। देश की जनसंख्या नहीं बढ़ेगी, जिसके लिए चिल्लाना पड़ा था जनसंख्या कम करो, अन्यथा नहीं लेना। जिस उद्देश्य से बात को समझा रहे हैं उसी उद्देश्य से समझना। बेटा चाहिए तो बेटे के लिए संबंध होना चाहिए, बेटी चाहिए तो बेटी के लिए संबंध होना चाहिए। आईएएस ऑफिसर चाहिए, अधिकारी बनाना है तो वैसा, नेता बनना है तो वैसा, शास्त्रोपदेष्टा बने तो वैसा, जैसा चाहिए बेटा वैसा, तिथि वार नक्षत्र अनुसार स्त्री पुरुष का संबंध होगा तो सब मिलेगा। कहो फिर कैसे बेटा अनाचारी आतंकवादी उग्रवादी बनेगा, बनेगा नहीं। शास्त्र में सब बताया गया, अशास्त्र में ये कहा गया कि ऐसे संध्या काल के समय में गर्भाधान इत्यादि नहीं होना चाहिए। चार काम निषेध हैं, भोजन करना, शयन करना, विद्या अध्ययन करना और स्त्री पुरुष का संबंध होना। भोजन करेंगे रोग बीमारी होगी शरीर में, शयन करेंगे बुद्धि भ्रष्ट होगी, विद्या अध्ययन करेंगे विद्या ग्रहण नहीं हो पाएगी। और दिति ने हट किया, नहीं मानी, संबंध हो गया। बाद में कश्यप ऋषि ने दिति से कहा कि तुम्हारे हट के कारण इस समय में संबंध हुआ है हमारा और तुम्हारा, पुत्र प्राप्ति के लिए हट से हुआ है ये। ऐसे समय में, खराब समय में सारे संसार को त्रास देने वाले पुत्र उत्पन्न होंगे इस संबंध से। जय विजय को शाप मिला था संकादिक मुनि कुमारों से, तुमको अभिमान हो गया, तमोगुण आ गया तुम में, भगवान के वैकुंठ में तमोगुण का क्या काम है। ये तमोगुण तुम में आया तो जाओ, शाप देते हैं तमोगुण योनि में जाओ। भगवान के कृपा से वो क्षमा करा दिया गया, लेकिन भगवान ने कहा शिक्षार्थ तो मिलना ही चाहिए, दंड तो कह दिया, तीन जन्म के लिए असुर योनि में जाओ। उधर गर्भाधान हुआ और वैकुंठ से जय विजय का पतन हुआ, और जय हो।
गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय 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 जय राधा रमण विजय का पतन हुआ और हिरण्यकश्यप क्यों नहीं मैं कश्यप ऋषि ने कहा था सारे संसार को त्रास देने वाले पुत्र होंगे। कश्यप ऋषि को बहुत दुख हुआ, छोड़ करके चले गए वन में जंगल में। दिति 100 वर्ष तक गर्भ को धारण की रही और जब हिरण्यकश्यप का जन्म हुआ तो जन्म लेते ही आकाशव्यापी शरीर हो गया, इतना विशाल। मना किया गया है, जो काम निषेध है वो नहीं करना, ये ध्यान में रखने का है। शिक्षा की बात है, नारद जी ने कहा था भगवान का भक्त उत्पन्न होगा इसके गर्भ से। कयादु को उपदेश दिया गर्भस्थ शिशु को उद्देश्य करके। प्रहलाद का जन्म हो गया था, इधर 1000 वर्ष बीते तपस्या करते करते, तपस्या से तेज बढ़ने लगा इसका, देवता जलने लगे। ब्रह्मा जी के पास जाकर के कहा, हम जल रहे हैं, आपका भक्त तपस्या कर रहा है, उसकी तपस्या को पूर्ण कीजिए। ब्रह्मा जी देवताओं के साथ पहुंचे, सारे पृथ्वी पर घूम घूम करके देखा, मंदराचल पर्वत पर पहुंचे, जहां तेज थोड़ा दिखाई दे रहा था उस पर भी खोजा, ऐसी तपस्या की कि न खाने पीने का ध्यान, न सोने का होश, आगने की तो बात ही नहीं है, सोया नहीं तो क्या जागे। शरीर के सारे मांस मेद मज्जा चमड़ी हड्डी नस नाड़ियां सब खा डाली दीमकों ने, मिट्टी का ढेर लगा दिया और इस मिट्टी के ढेर में कई छिद्र थे, उसमें से दिव्य तेज दिखाई दे रहा था। ब्रह्मा जी खोजते हुए पहुंचे, कमंडलों से जल लेकर के छिड़का उसके ऊपर। 1000 वर्ष पहले तपस्या करने गया था, शरीर जैसा था वैसे ही शरीर धारण करके खड़ा हुआ। प्रणाम किया ब्रह्मा जी को, कहा वर मांगो। कहा अमृत तो चाहता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा अमृत तो कैसे दें, हम स्वयं अमर नहीं, तुमको कैसे अमृत तो प्रदान करें, नहीं हो सकता, और कुछ मांगो। अल्टरनेट विचार किया, सब्स्टिट्यूट क्या है। कहा ठीक है, सोचा ब्रह्मा आए हैं, इनको बुद्धि थोड़ी कम है, हम अपनी बुद्धि से मांग लेते हैं। का दिन में न मरू, रात में न मरू, न भीतर न बाहर, न ऊपर न नीचे, न अस्त्र से न शस्त्र से, न मनुष्य से, न पशु से, न पक्षी से, न देवता से, न दानव से, किसी से नहीं मरू, आपकी सृष्टि में जो किसी से नहीं। अब इसने ब्रह्मा को ही सबसे बड़ा माना था। ब्रह्मा जी विचार किए, कहा ठीक। ब्रह्मा जी ने भगवान का ध्यान किया, मैं भगवान की सृष्टि में, भगवान मेरी सृष्टि में नहीं, ये मांग रहा है, आपकी सृष्टि में जो भी उससे न मरू। कह दिया एवमस्तु, ब्रह्मा जी चल दिए। आर्य आया अपनी राजधानी में, सब जगह आदेश करवा दिया, आज से सब कोई मेरा भजन करेंगे, मैं भगवान हूं। ये शिक्षा अहम ब्रह्मास्मि कहने वालों के लिए भी है, अपने आप को भगवान कहा क्या भोगना पड़ा। और तमाम हाहाकार मचा दिया, सारे संसार के लोगों को दुखी कर डाला, यज्ञ अगाधिक बंद हो गए। उधर देवता पहुंचे भगवान के पास, कहा प्रभु ये तो अनर्थ हो गया, ब्रह्मा जी ने वरदान दिया और हम ही लोगों के लिए संकट हो गया ये तो। भगवान ने कहा ठीक है, अब क्या करें, आप ही लोग तो वरदान देने के लिए बोले थे ब्रह्मा जी को, आप ही लोगों ने दिलवाया ना। हाँ प्रभु ठीक है, अब जब तक ये तो मेरे दास का जब अपराध करेगा तभी मारा जाएगा,
हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को गोद में बिठाया, खूब लाड़ दुलार किया। मन में विचार हुआ इसकी शिक्षा दीक्षा आरंभ होनी चाहिए। 5 वर्ष का हो गया, जो कुछ स्वयं सिखाना चाहता था वो तो कोशिश की, लेकिन ये देखा कि गुरुकुल में जाना आवश्यक है, तो गुरुपुत्र शुक्राचार्य के बेटों को शंड और अमरग को बुलाया, कहा हमारे बेटे को ले जाओ, दैत्य कुल की जो उचित शिक्षा है वो देना। शंड और अमरग प्रहलाद को लेकर के आए, दैत्य कुलोचित शिक्षा आरंभ हुई। लेकिन प्रहलाद के प्रथम गुरु आध्यात्मिक गुरु नारद जी हैं, ध्यान देना, प्रथम गुरु आध्यात्मिक गुरु है, बाद में ये शिक्षा गुरु। तो भगवान की भक्ति की शिक्षा पहले देना बच्चों को, तो ये सारे जीवन के लिए उपयोगी होगी और अच्छी शिक्षा अच्छा काम करने में मन लगेगा। इसलिए स्त्रियों को पहले भगवान की कथा सुनाई जाती थी, भगवान का नाम लेने को कहा जाता था, गर्भावस्था में विशेष रूप से। गुरु लोग जो कुछ पढ़ाया करते प्रहलाद पढ़ लेते, और ऐसे तीक्ष्ण बुद्धि वाले, ऐसे शार्प माइंड स्टूडेंट थे, ऐसे ब्रिलियंट स्टूडेंट कि जो जैसा बताया वैसा का वैसा तुरंत सुनाते, 4 दिन बाद भी पूछा तो वैसे ही सुनाते। ये भगवान की भक्ति का प्रभाव था। इसलिए जिस किसी को अच्छा विद्यार्थी बनना है, टॉपर स्टूडेंट बनना है, उसको भगवान का भजन जरूर करना चाहिए और माता पिता को बच्चों को करवाना चाहिए। ऐसे ही चल रहा था, शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, भगवान का भजन किया करते हैं, एकांत में बैठ करके शिक्षा प्राप्त कर ली। दूसरे विद्यार्थी होमवर्क कर रहे हैं, खेल रहे हैं, सब अपने अपने काम में लगे हैं, और प्रहलाद वो पढ़ाई जल्दी से पूरी करके और भगवान का ध्यान किया करते, भगवान के गुणों को गाया करते। जगदीश हरे 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 हरि शरणम 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 श्री हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम जगदीश हरे 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 जगदीश हरे। इस तरह से हरि स्मरण सदा चलता रहता है प्रहलाद। एक दिन हिरण्यकश्यप की इच्छा हुई प्रहलाद को देखने की, प्रहलाद से मिलने की, सेवकों को भेजा हमारे पुत्र को लेकर के आओ। प्रहलाद को लेकर के आए सेवक, हिरण्यकश्यप देख करके बहुत प्रसन्न हुआ, गोद में बिठाया, लाड़ दुलार किया, माथा सूंघा, अच्छी अच्छी बातें की। और उसके बाद हिरण्यकश्यप ने पूछा, प्रहलाद
जितनी भी शिक्षा अब तक प्राप्त की है उसमें सबसे अच्छा तुमको क्या मालूम होता है? सबसे अच्छा क्या है? प्रहलाद ने बता दिया, हरी शरणम श्री हरी शरणम। भगवान के भक्ति के मार्ग में लगना तो चिंता नहीं करना। हिरण्यकश्यप ने उठा करके प्रहलाद को पटक दिया, प्रहलाद शांत हो, भले ही शांत हो गए लेकिन मन में वही हरी शरणम। फिर उसके बाद हिरण्यकश्यप ने कहा, खड़े हो जाओ। प्रहलाद खड़े हो गए। हाँ पिताजी, कहा ये क्या है? हरी शरणम। कहा जो आपने पूछा था सबसे अच्छी शिक्षा कौन सी, बता रहा हूँ, हरी शरणम। कहा हरि के चरण शरण ग्रहण करना चाहिए, उन्हीं भगवान का नाम संकीर्तन करना चाहिए, उन्हीं को वंदन करना चाहिए। कहा कौन है ये? कहा जिसको जगदीश कहते हैं, सारे जगत का मालिक है, जो चराचर का स्वामी, जिसको हरि कहते हैं, अपने दासों के दुखों को हरने वाला हरि, उसके नाम का कीर्तन करना चाहिए। और उसके बाद क्या कहा? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम। कहा उन्हीं के नाम का, उन्हीं के चरित्र का श्रवण, उसी का कीर्तन, उसी का स्मरण, उसी का ध्यान। कौन, किसका? कहा विष्णु। विष्णु सुनते ही कान खड़े हो गए। कहा विष्णु हरि है, जगदीश है? बोले हाँ। हिरण्यकश्यप जोर से चिल्लाए, भगवान मैं हूं। कहा नहीं पिताजी, ये आप अपराध कर रहे हो, आप भगवान हैं। कहा कौन है फिर? कहा वही, कहा तो जगदीश हरे, जिसको हरि कहते वही तो जगदीश है, दूसरा और कोई नहीं, वही विष्णु है, वही नारायण है, बस वही। कहा श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन पत्ता पुष्प इत्यादि जो कुछ अर्पण करना उन्हीं को करना, और सबसे अच्छा इन नौ प्रकार की भक्ति में सबसे अच्छा है आत्मनिवेदन, शरणागति कर लेना, भगवान के चरणों में आत्मार्पण कर देना, ये सबसे अच्छी भक्ति है। तो रन बुलाया सेवकों को, बुला के लाओ शंड और मर्क को। गुरु पुत्रों को बुलाया गया, भागते हुए पहुंचे। क्या बात है महाराज, क्रोधित हैं। महाराज आज्ञा हो, ये क्या उल्टी शिक्षा दे रखी है मेरे लड़के को, क्या हुआ महाराज? बोले ये किसको जगदीश बता रहा है, पूछो। शंड और मर्क ने पूछा, प्रहलाद क्या कहा? कहा जगदीश हरे, जगदीश हरे। अच्छा महाराज, ये शिक्षा हमने तो नहीं दी, फिर कहां से सीखा? मेरे शत्रु को भगवान बताता है, कहां से सीखा ये सब? कहा नहीं मालूम महाराज, ले जाओ ठीक से शिक्षा दो। लेकर गया, गए प्रहलाद को लेकर गया है शंड और अमर, फिर से शिक्षा आरंभ हुई। और फिर एबीसीडी से पढ़ाना चालू किया, दैत्य कुल की शिक्षा को पढ़ लेते वैसे ही सुना देते। और उसके बाद फिर जो ही खाली समय मिला, हरी शरणम। भगवान की शरणागति, जीवात्मा भगवान का दास होता है तो भगवान कितने प्रसन्न होते हैं जीवात्मा के ऊपर। प्रहलाद को ये याद करके और उत्साह बढ़ गया, खूब उमंग आ गया और जोर जोर से कीर्तन करने लगे। हरी शरणम श्री हरी शरणम।
बालक आ गए। जब उच्च स्वर से कीर्तन चालू हुआ प्रहलाद के द्वारा, तो सारे दैत्य बालक इकट्ठे हो गए। उस दिन शंड और अमरक किसी कार्य से बाहर थे, तो ये सब खेल रहे थे। और प्रहलाद का खेल क्या, प्रहलाद का खेल यही था, जगदीश रे हरि शरणम हरि शरणम, यही खेल था प्रहलाद का। सब दैत्य बालक आ गए, बड़ा आनंद हो रहा था सुन करके। अरे थोड़ा लाज रखो, शर्म करो। अरे जब दैत्यों को भी भगवान का नाम सुनकर के आनंद हो रहा है, तो हमको भी तो होता होगा ना, आप लोगों को भी तो होता होगा। लिया करो अच्छे से नाम भगवान। दैत्य बालकों ने पूछा, प्रहलाद हम रोज सुनते हैं, आज पूछने की हिम्मत कर रहे हैं, गुरु जी लोग नहीं है यहाँ, इसलिए ये क्या रोज जगदीश रे हरि शरणम क्या गाते हो? हाँ भैया, भगवान का नाम का स्मरण करते हैं और क्या। कौन भगवान, हमने तो सुना है तुम्हारे पिताजी भगवान। बोले नहीं नहीं, ये उल्टी शिक्षा है, गलत बात बताई गई। कहा फिर कौन है भगवान? बोले जिसको हरि कहते हैं, और ऐसे हरि की शरण ग्रहण करना चाहिए, यही जीवात्मा का धर्म है, कर्तव्य है, उनके चरण शरण होकर के ही कल्याण हो सकता है, और कोई साधन नहीं है। कहा तो फिर कब करना चाहिए? तो प्रहलाद ने कहा, कुमारे आचरे प्राज्ञ है, ज्ञानियों का आचरण लेकिन कुमार अवस्था से करना चाहिए, शिशु अवस्था से, बाल्य अवस्था से और गर्भ अवस्था से, जब मौका मिले तब करना चाहिए, कोई समय निश्चित नहीं है, हर समय हर स्थिति में हर काल में हर देश में करना चाहिए। जहां रहो वहीं भगवान का नाम जपते रहो, भगवान का ध्यान करते रहो। कहा तो क्या करें? कहा करना क्या है, तुम भी भगवान के शरण हो, भगवान का नाम लो, और सब मिलकर के भगवान का स्मरण करना चालू कर दिए। जगदीश हरे जगदीश हरे जगदीश हरे जगदीश हरे जगदीश हरे जगदीश हरे हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम जगदीश हरे 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 जगदीश हरे। बोले शिवनारायण भगवान की जय हो। शंडा रावण के पहुंचे, अब तो पैरों तले जमीन खिसक गई, क्यों? अभी तक तो अकेले भगवान का नाम लिया करता था, अब तो सारे के सारे गुरुकुल को जगदीश हरे मैं बना दिया, सबको रटा दिया हरि शरणम। प्रहलाद का हाथ पकड़ा और भागते हुए पहुंचे, महाराज अनर्थ हो गया। क्या हुआ? हाँ, ये दैत्यराज का पुत्र प्रहलाद, आपका बेटा, सारे दैत्य कुल के बालकों को जगदीश रे रटा डाला, अब हमारी शिक्षा किसी काम की न रही। बहुत क्रोध आया, कहा ठीक छोड़ दो इसको, अब इसकी शिक्षा मेरे द्वारा होगी, जाओ। अब प्रहलाद को बुलाया, फिर बिठाया गोद में, कहा प्रहलाद फिर समझा रहा हूं। क्या पिताजी? आखिरी बार सावधान कर रहा हूं, मान लो मेरी बात, मैं भगवान हूं, जिसको तुम कह रहे हो भगवान वो मेरा शत्रु है, तुम्हारा भी शत्रु है,
कहा नहीं पिताजी, वो भगवान किसी का शत्रु नहीं है, वो तो सबका रक्षक पालक भरता है, उसी के जिलाने से सब जी रहे हैं, उसके दिव्य श्वास को ले रहे हैं, उसके दिव्य जल को पी रहे हैं, उसके दिव्य अन्न को खा रहे हैं, खा रहे हैं, उसका ही दिया हुआ सब कुछ है। इसीलिए वो जगदीश, ये आप नहीं कर सकते, ये कोई और जीवात्मा नहीं कर सकता, ये किसी के वश की बात नहीं है, और यही सच्चा ज्ञान है, आपको स्वीकार कर लेना चाहिए। कहा प्रहलाद मार डालूंगा। हाँ पिताजी, सत्य बात के लिए मर जाना कौन सी खराब बात है, भगवान की भक्ति के लिए मर जाना कौन सी खराब बात है। सेवकों को बुलाया, कहा ले जाओ पहाड़ से नीचे फेंक दो, मर जाएगा। पहाड़ से नीचे गिरवा दिया, समुद्र में डलवा दिया, हाथी के आगे फेंकवाया, सिंह के आगे डलवा दिया, सांप के आगे डलवा दिया, सब कर लिया, प्रहलाद को कुछ नहीं। भगवान का दास हो गए तो फिर चिंता नहीं करना। हमारे आचार्य ने समझाए हैं, मरने तक की नौबत आ जाए तब भी भगवान का दास होकर के चिंता नहीं करना अपनी रक्षा के विषय। आज स्मरण क्या करना जो प्रहलाद कर रहे थे, हरि शरणम हरि शरणम, भगवान ही हमारे रक्षक हैं, हम उनके दास, उनकी शरण हैं। बस चिंता नहीं करना, प्रहलाद को नहीं थी चिंता, नारद जी जैसे गुरु के द्वारा शिक्षा प्राप्त है ना, इसलिए बच्चों को शुरू से भगवत भक्ति की शिक्षा दिलवाओ, दो। हिरण्यकश्यप की बहन आई सिंगिका, बहुत चिंतित था, कहा भैया क्यों चिंतित हो, क्या चिंतित नहीं हो तो क्या करूं, देखो मेरा ही लड़का मेरा ही शत्रु बन बैठा है, अपने हाथ से मारना भी अच्छा नहीं लगता, और कितने उपाय तो कर डाले, मरा भी नहीं, समझ नहीं आता करूं क्या। कहा चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, तो बोले क्या करोगी तुम हो तो, संसार का ऐसा स्वभाव, अपने स्वजन संबंधियों का ऐसा स्वभाव, मैं हूं ना किसी काम नहीं आता, क्या करोगी। बोले भूल गए, ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, क्या दिया था वरदान, जब झुंझलाहट हो जाती है तो हिरण्यकश्यप को बहुत भारी इरिटेशन था, क्या करोगी। बोले ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था अग्नि में नहीं जलूंगी, हाँ तो। बोले चिता सजवाओ इसको, आप तुम्हारे लड़के को लेकर के बैठती हूँ, अग्नि लगवा देना, ये जल करके मर जाएगा, मुझे कुछ नहीं बिगड़ेगा। बोले हाँ हाँ, बड़ी जोर से ठठा करके ऐसा चिता सजाई गई, सिंगिका लेकर के बैठी, आग लगा दिया चिता में, थोड़ी देर बाद जलने लगी, प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ, जिसको वरदान मिला था आग में जलेगी नहीं, वो जलने लगी, चिल्लाने लगी जोर जोर से, मुझे बचाओ, अरे मैं जली जा रही हूँ, मर जाऊँ, लेकिन अब कौन बचाए, भगवान के दास से द्रोह किया, कौन बचाए, कोई नहीं बचा सका, अग्नि और अधिक प्रज्वलित हो उठी, जल करके भस्म हो गई, ये भस्म हुई और अग्नि वहीं शांत हो गई, प्रहलाद वैसे के वैसे, अग्नि चंदन के जैसी ठंडी मालूम रही थी, और मन में हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री हरि शरणम, और दूसरा कुछ नहीं। भगवान ऐसे ही रक्षा करने वाले हैं, ऐसे ही तापत्रय को हरने वाले हैं, इसलिए हरि शरणम। अब क्रोध आया, फिर बुलाया, कहा प्रहलाद अंतिम चेतावनी, मार डालूंगा तुमको, मानो मेरी बात, मैं भगवान हूं, वो तुम्हारा, तुम जिसको जगदीश कहते हो, भगवान ने नहीं पिताजी। कहा तो बुला अपने भगवान को, कहता है सबका रक्षा के, तेरा रक्षा के देखता हूँ कैसे, बुला कहाँ है तेरा भगवान। बोले पिताजी सब में, सब जगह चित्त अचित जड़ चेतन सब में है, हम में है, आप में है, जो कुछ दिख रहा है जो नहीं दिख रहा है सब में है भगवान, यही भगवान का सर्वगुण संपन्न होना है, सर्वसमर्थक भगवान का यही है, और भगवान सब में वास करते हैं, भगवान का सुगुण है। कहा इस पत्थर के कमरे में भी तेरा भगवान। बोले हाँ भगवान तो सब जगह, कहा तो कण कण में विद्यमान है, जो नहीं दिखता उसमें भी है। कहा तो बुला अपने भगवान को, खड़ग खींचा प्रहलाद को मार डालने के लिए। कहीं वर्णन मिलता है कि जो ही सुना कि खंभे में भगवान एक लात जमाया, लेकिन वेदव्यास जी यहाँ पर बताए हैं कि खड़ग खींचा, कहा तुमको मार डालता हूँ, जैसे ही खड़ग निकाला भगवान खंभा फाड़ करके प्रकट हो गए, बड़ी भारी आवाज हुई, सारे लोक लोकांतर में गुन गई, बोले नृसिंह भगवान की।
श्री नृसिंह भगवान की श्री नृसिंह भगवान की। सब देवता आकाश में आकर खड़े हो गए, सब देवता आकाश में आकर खड़े हुए, वहीं से दर्शन कर रहे हैं। और इधर हिरण्य का शब्द भी दर्शन कर रहा है, नीचे से लेकर के ऊपर, ऊपर से नीचे तक कई बार देखता रहा। कुछ क्षण बाद होश आया कि ये तो मेरा शत्रु है। प्रहलाद ने कहा था उसके रूप के विषय में बताया नहीं जा सकता, वो जैसा चाहे वैसा रूप धारण कर लेते हैं, तो ये तो कभी देखा ही नहीं, विष्णु ही है, निश्चय हो गया। भगवान ने दिखा दिया उसके लिए कई बार दिन में लेत हरि अवतार है। हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान को अवतार रहने की जरूरत नहीं, जरूरत प्रहलाद के लिए है, प्रहलाद के ऊपर अपना प्रेम लोटा डालने के लिए है, अपने कृपा से नहला देने के लिए है। आज उस दास का प्रेम प्राप्त कर लेने के लिए भगवान को अवतार लेने की जरूरत पड़ी है। हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान संकल्प शक्ति मात्र से मार डालेंगे। जो भगवान अपने संकल्प शक्ति से सृष्टि पालन संहार सब कुछ करते हैं, वो दैत्य को नहीं मार सकते, मार सकते हैं। भगवान ने अवतार लिए, जोर जोर से दहाड़ रहे हैं। इसको होश आया, खड़ग भगवान पर चला दिया, फेंक करके भगवान ने पकड़ा और खड़ग फेंक दिया दूर। गदा फेंका भगवान के ऊपर, गदा भी भगवान ने हाथ में लेकर के दूर फेंक दी। तमाम अस्त्र शस्त्र चलाए, भगवान खेलते रहे इसके साथ। और जैसे ही भगवान की तरफ झपटना चाहा, भगवान ने पकड़ा इसको, घसीट लिया और उठा करके लेकर के पहुंचे भगवान दहली पर, जाकर के बैठे राजभवन की दहली पर और जंघे पर लिटा लिया भगवान ने। भाए को भाए, अनख आलस, किसी भी तरह स्मरण तो करे। अनिच्छया विसंस्पृष्टो धरती पाव, दुष्ट चित्त ही विस्मित है, दुष्ट मन से ही स्मरण कर किया तो। लेकिन मुख्य बात प्रहलाद की कृपा है, उसमें प्रहलाद का संबंध है। भगवान की लंबी लंबी आठ भुजाएं थी, लंबी लाल लाल लपाती हुई जीभ, जोर जोर से दहाड़ रहे भगवान। और सब भगवान ने हाथ दिखा दिए, उसके बाद दो हाथ खाली थे भगवान के, उसमें अस्त्र शस्त्र नहीं थे। कहा देख, दिन है कि रात है, भीतर है कि बाहर है, ऊपर है कि नीचे है, मनुष्य है, देवता है, पशु है, पक्षी है, कुछ भी देख रहा चुपचाप। भगवान ने अपने नाखून दिखाए बड़ी बड़ी, कहा ब्रह्मा का बनाया कोई अस्त्र शस्त्र दिखाई देता है? सिर हिला दिया धीरे से, नहीं। अब भगवान ने कलेजा फाड़ डाला, बोले नृसिंह भगवान उठा करके पटक दिया हिरण्यकश्यप को। अब भगवान आकर के उच्च सिंहासन पर विराजमान हो गए स्वयं और जोर जोर से दहाड़ रहे, मानो पुकार रहे प्रहलाद। अब देवता उतरे नीचे, हिरण्यकश्यप की राज सभा जो थी, कहा प्रभु बहुत अच्छा काम किया आपने, मार डाला, बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद है। जब आवाज हुई थी लोक लोकांतर में गूंजने वाली, तो आकाश में आकर खड़े हुए, क्यों? यही भगवान के प्रति अविश्वास है। भगवान साक्षात प्रकट हुए तब भी उस हिरण्यकश्यप का भय है, संसार का भय ऐसे ही सताता है हर एक जीवात्मा को, तब भी भय है कि हमको मार ना डाले। नीचे उतरे तो पता नहीं कहीं हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया। भगवान ने जब मार डाला तो फिर भगवान को धन्यवाद ज्ञापन किया, लेकिन भगवान तो अभी भी जोर जोर से दहाड़ रहे। देवताओं ने लक्ष्मी जी से प्रार्थना की, माता जी, माता जी समझ गई, देवता कह रहे हैं कि शांत कीजिए इनको। हाथ जोड़ करके लक्ष्मी जी पीछे हट गए, मैं नहीं जाऊंगी, आज तक ऐसा विकराल रूप तो मैंने भी नहीं देखा, देखे भी कैसे। ये विकराल रूप अपने दास का कष्ट हर लेने के लिए ही तो है, और जो सदा भगवान की चरण सेवा में लगे रहे उसको कौन सा कष्ट, लक्ष्मी जी को कोई कष्ट आया ही नहीं, तो कौन सा दुख हरने के लिए भगवान ऐसा अवतार ग्रहण करे। आपने दास लक्ष्मी जी को सदा दर्शन प्राप्त है ही, सेवा प्राप्त है ही, तो भगवान तो वैसे प्रेम वर्षा कर रहे हैं, लेकिन आज प्रहलाद के ऊपर कहीं अधिक बढ़कर के प्रेम जागृत है भगवान के हृदय। नारद जी की तरफ सब लोग बढ़े, कहा महाराज आप शांत करो। कहा मैं, मेरे शांत करने से थोड़ी कुछ होने वाला। कहा फिर कौन सी स्तुति करें इनके लिए? बोले कोई स्तुति काम नहीं आएगी आज, फिर क्या करें?
कहा इस प्रहलाद के लिए भगवान ने अवतार लिया है। भगवान नारद जी ने प्रहलाद को कहा बेटा चलो, गुरु शिष्य को जैसा कहे शिष्य वैसे ही करे। नारद जी ने कहा चलो भगवान तुम्हारे लिए लालयित है। गुरु बेटे शिष्य का हाथ पकड़ करके भगवान के शरण में पहुंचे हैं। और प्रहलाद ने भगवान के चरण में साष्टांग प्रणाम किया तो भगवान ने पूरा साष्टांग प्रणाम भी नहीं कर दिया, लपक करके उठा लिया, गोद में उठा लिया। गुरु शिष्य का हाथ पकड़ करके भगवान के शरण में पहुंचे हैं। ऐसे ही गुरु हर एक जीवात्मा को भगवान की शरण कराते हैं हाथ पकड़ करके। भगवान ने प्रहलाद को गोद में उठाया, कस करके हृदय से चिपका लिया। अपनी जीव से भगवान चाटने लगे प्रहलाद, आंखों से अश्रुधार बह रही, नहला डाला प्रहलाद। अब भगवान कहने लगे प्रहलाद क्षमा कर दो प्रभु, ये क्या कहा, मेरे ही कारण तो तुम दुख पाते रहे, बहुत पहले आकर के तुम्हारी रक्षा करनी चाहिए, ये दुख छुड़ा देना चाहिए था, मेरा अपराध है ये। नहीं नहीं, आपका अपराध कैसे, आप तो हर एक जीवात्मा का सदा मंगल चाहते, मेरा ही कोई प्रारब्ध रहा होगा ऐसा कष्ट पाने के लिए, सुदंड मिला, इसमें आपका दोष कहाँ। ये तो आपका मंगलमय विधान इस दास के लिए ही है, जो आपने सारा कष्ट छुड़ा करके पाप को वैसे ही धो करके मुझ जीवात्मा को परिशुद्ध करके आपने अपना लिए अपनी गोद बिठा लिया, ये तो आपकी कृपा है। भगवान रो रहे हैं, आज तक तुम कष्ट पाते रहे, प्रहलाद की आंख से अश्रुधार बह रही, भगवान के प्रेम को पा करके मेरे कारण हमारे स्वामी को ऐसा कष्ट हुआ, भगवान दुखी हैं, भगवान के दुख को देख करके प्रहलाद को दुख हो रहा है, मेरे कारण ऐसा दुख भगवान को उठाना पड़ा। और साथ साथ भगवान को जो सुख प्राप्त हो रहा है जिससे भगवान चाट रहे हैं प्रहलाद को, कहा ये अब तक तो न मिला, और ये सुख जो आज भगवान को प्राप्त है मुझे पा करके, हर एक जीवात्मा को पा करके भगवान को जो सुख होता है इसमें विलंब भी तो मेरे ही कारण हुआ, भगवान के कारण तो नहीं हुआ। इसी द्वंद में गोते लगाते रहे प्रहलाद जी। भगवान ने कहा प्रहलाद वरदान मांगो, भगवान जब देना चाहते हैं तो क्या मांगना चाहिए। भगवान ने कहा प्रहलाद वरदान मांगो, प्रहलाद ने कहा प्रभु कुछ भी नहीं चाहिए, आपने कृपा कर सब कुछ तो दिया है, अब कुछ नहीं चाहिए। भगवान फिर भी देना चाहते हैं, इतना प्रेम लुटाया भगवान ने प्रहलाद के ऊपर, फिर भी और देने की इच्छा है, जैसे कोई माता पिता अपने बच्चे को सब कुछ हर एक चीज दे देना चाहते। प्रहलाद ने कहा प्रभु कुछ भी नहीं चाहिए। तीसरी बार भगवान ने फिर कहा प्रहलाद मैं देना चाहता हूं, मुझे तुमको कुछ दे करके खुशी होगी, प्रसन्नता होगी, इसलिए मांग लो, मेरी प्रसन्नता के लिए मांगो। भगवान जब दे करके प्रसन्न हो तो फिर क्या मांगना, प्रहलाद ने जो मांगा वही। प्रहलाद ने कहा प्रभु आप देना चाहते हैं, आपको दे करके खुशी होगी, तो कृपा कर यही दीजिए कि ये जो मांगने की इच्छा है ये मन में उत्पन्न न हो, यही दे दीजिए। भगवान ने और कस करके हृदय से चिपका लिया। प्रहलाद एक बात कहूं, तुम्हारे जैसा दास दीपक लेकर के भी ढूंढने से नहीं मिलता, हर कोई तो कुछ ना कुछ मांगते ही है, तुमको मैं बार बार कह रहा हूं मांग लो, तब भी कह रहे मांगने की इच्छा न हो ये दे दीजिए। हाँ प्रभु दे तो आप, बस आप अपनी सेवा ही अपना दर्शन ही प्रदान करें, बस और क्या चाहिए, कुछ भी नहीं, आप जहां रखें जैसे रखें वो सब आपके सुख के लिए है, आप तो बस अपनी सेवा प्रदान करें। भगवान ने कहा ठीक, मेरी सेवा मेरा दर्शन तुमको सदा मिला करेगा, 36,000 वर्ष इस पृथ्वी पर रह करके राज्य करो, भक्ति का उपदेश करो प्रजा को,
उसके बाद अपना दिव्य धाम तुमको प्रदान करूंगा, सदा के लिए अपनी सेवा प्रदान करूंगा। भगवान ने जी भर खूब लाड़ दुलार किया प्रहलाद का, जी भर हृदय से लगाया, जीभ से चाटा और खूब आनंद प्राप्त कर लिया भगवान ने। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित, आज परब्रह्म परमात्मा एक जीवात्मा को पा करके प्रसन्न हुए हैं। इस सुख का वर्णन कौन कितना क्या कर सकता है, यह वाणी, यह बुद्धि, यह मन और संसार का सब कुछ क्षुद्र है भगवान की इस कृपा के आगे। भगवान की इस कृपा का वर्णन और प्रहलाद के इस प्रेम का, प्रहलाद की इस सेवा भावना का, प्रहलाद की इस दासता का वर्णन नहीं किया जा सकता। जितना कहते बना कह दिया, बता दिया। प्रहलाद के इस चरित्र को जो सुनेगा, जो कहेगा, जो पढ़ेगा, सब भगवान के उस कृपा प्रसाद को, प्रेम प्रसाद को प्राप्त करेंगे। इसलिए भगवान के ऐसे दासों के चरित्रों को सदा कहना सुनना चाहिए और ऐसे चरित्रों का अनुसंधान करते रहना चाहिए। इसी से भगवान के चरणों में प्रीति प्रेम प्राप्त होता है। यही सारे शास्त्रों का, वेद वेदांत का सार है और ये सार स्वरूप भगवान की भक्ति और उसकी महिमा मैंने तुमको बता दी। इस तरह से सुखदेव जी कहकर के आनंदित हैं। हर अन्य भगवान के अवतारों का वर्णन करना आरंभ कर रहे हैं। कल से, कल भगवान के अन्य चरित्रों की कथा इसी प्रसंग के आगे से आरंभ होगी। बोले श्रीमन्नारायण भगवान की जय हो, श्री नृसिंह भगवान की जय हो, श्री भक्त प्रहलाद की जय हो, श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो, श्री व्यास जी महाराज की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की। आइए सभी मिलकर के आरती करें। आरती पूर्व एक सूचना है, कल श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ सप्ताह के चतुर्थ दिवस में भगवान के अनेक अवतार, अनेक चरित्रों का वर्णन है और श्रीमद् भागवत महापुराण के नायक भगवान रसिक रस रसिकेश्वर भगवान श्री कृष्ण का अवतार उत्सव भी कल मनाया जाएगा। सभी विशेष साज श्रृंगार करके और भगवान के भवन का विशेष साज श्रृंगार करके भगवान के अवतार का उत्सव मनाने के लिए उपस्थित होंगे। महिलाएं माताएं पीले वस्त्र धारण करके और आभूषण धारण करके, पुरुष वर्ग प्रयास पूर्वक धोती कुर्ता अथवा कुर्ता पजामा पहन करके भगवान के अवतार उत्सव में सम्मिलित होने के लिए पधारेंगे। स्त्री पुरुष की योग्यता अनुसार साज श्रृंगार करके, मतलब पुरुष जैसा श्रृंगार कर सके वैसा, स्त्रियां जैसा कर सके वैसा, और खूब उत्साह के साथ भगवान के अवतार उत्सव को मनाएं। श्रीमन्नारायण भगवान की। नृसिंह का अवतार उत्सव दिनांक 29 को है भी मास नक्षत्र के अनुसार। तो आइए पहले नृसिंह भगवान की आरती करके फिर श्रीमद् भागवत जी की आरती करेंगे। Thank you.
वृषभे स्वाति नक्षत्रे चतुर्दश्यां शुभे दिने संध्या काले निजे युक्तं स्तंभोद्भूतं हरि वृषभे स्वाति नक्षत्रे चतुर्दश्यां शुभे दिने संध्या काले नृजे युक्तं स्तंभोद्भूतं नृकेसरी वृषभे स्वाति नक्षत्रे चतुर्दश्यां शुभे दिने संध्या काले नृजे युक्तं स्तंभोद्भूतं नृकेसरी आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन धर्म भक्ति रे ज्ञान खान की धर्म भक्ति रे ज्ञान खान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की महापुराण भागवत गले तन गम कल्प फल शुक मुख विगले तन गम कल्प फल परमानंद सुधारस मय कल परमानंद सुधारस मय कल परमानंद सुधारस मय कल परमानंद सुधारस में फल लीलारती रस रस निधान की लीलारती रस रस निधान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण ज्ञान खान की धर्म भक्ति रे ज्ञान खान की सकल सुख कारिणी जीवत सतत सकल सुख कारिणी सुमहौषधि हरि चरित गान की सुमहौषधि हरि चरित गान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण के धर्म भक्ति रे ज्ञान खान की धर्म भक्ति रे ज्ञान खान की काली सेवा करते हुए विलास विमो विनाशिनी विषय विलास विमो विनाशिनी विमल विराग विवेक विकाशिनी विमल विराग विवेक विकाशिनी भगवान
मुक्ति रति प्रेम सुधासिनी